सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं आपका दोस्त मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग इनकम 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 के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इनकम, हमारी इनकम कितनी आएगी आने वाले टाइम में, हमारी सर पहले महीने की इनकम कितनी होगी, हमारी एक साल की इनकम कितनी होगी। जितने भी लोग आज YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं, उनका सबसे सबसे पहला जो उनका एक मेन टारगेट होता है वो होता है इनकम। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि हम सब लोग इनकम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इनकम के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। और जब हमारे वॉलेट के अंदर इनकम आएगी तो बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज तक मैंने अपनी वीडियोस के अंदर, अपने चैनल पर किसी वीडियोस के अंदर आपको कोई भी इनकम के बारे में डिटेल्स में कि इतनी इनकम आएगी, इतनी इनकम आएगी, पहले महीने में आपको इतनी इनकम आएगी, दूसरे महीने में इतनी इनकम आएगी, आज तक मैंने क्यों नहीं बताया। सबसे पहला कारण क्या है, मैंने आपको क्यों नहीं बताया इनकम के बारे में। पहला कारण तो ये है कि इसकी अभी तक कोई किसी को भी सटीक जानकारी है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी फाउंडर को अभी तक इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है कि आज वास्तव में हमारी इनकम किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आने वाली है। किसी को भी जानकारी नहीं है, तो फिर जब मुझे जानकारी नहीं है तो फिर मैं क्यों बताने लगूं और मैं क्यों बताऊंगा। बहुत सारे, मैं ये बात अपनी तरफ से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक थंबनेल लगा देते हैं कि आपकी पहले महीने की लाखों की इनकम आएगी। ए सर ने कर दिया है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट, अगले आपके अगले दो साल के अंदर आपके पास होगी करोड़ों की इनकम। इस टाइप से बहुत सारे अट्रैक्टिव जो थंबनेल हैं, जो कि ऊपर थंबनेल तो कुछ और होता है लेकिन अंदर डाटा कुछ और ही निकलता है। अंदर जब हम खोल के देखते हैं तो किसी मीटिंग की ऑडियो निकलती है, जो कि जूम मीटिंग होती है या कोई वेबिनार की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर कभी भी इस तरीके की बातें नहीं होती हैं जैसा कि थंबनेल पर वो पूरा का पूरा भर देते हैं और इतना ज्यादा मैटर लिख देते हैं कि वो पढ़ने वाला खुद ही इरिटेट हो जाता है कि वो उसमें से क्या निकाले और क्या पढ़े। तो दूसरी बात, पहली चीज ये है कि ढिल्लन सर ने अपनी एक जूम मीटिंग के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया है। उस मीटिंग को मैंने बहुत अच्छे से सुना है और यूट्यूब पर बहुत सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कोई भी गलत थंबनेल का इस्तेमाल ना करे। पहली चीज आप सब लोग ध्यान से सुन लेना कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो किसी भी टाइप से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो फेसबुक पर प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पर प्रमोट कर रहा है, ढिल्लन सर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना गलत तरीके से थंबनेल ना लगाए और गलत तरीके से अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो है बना करके किसी भी व्यक्ति को या किसी भी फाउंडर को उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी ना बताए। जो उनको पता है वो बता सकते हैं, जो उनको नहीं पता है वो आप बैक ऑफिस पे छोड़ दीजिए और वेबिनार पे छोड़ दीजिए जो एसर करते हैं। बस लास्ट में आप उनको ये तो कह सकते हैं कि जब एसर आएंगे वो बताएंगे, जैसे कि ढिल्लन सर अपने आप ही बहुत सारी बातें बता भी देते हैं और लास्ट में जो नहीं पता होता है वो कह देते हैं कि एसर आएंगे वो बताएंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो जो व्यक्ति जो जानकारी देने वाला है, जो मैन हेड है, आप उस पर छोड़ दो वो सारी बातें। वो जब भी आने वाले टाइम में जो भी सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, वो उसमें बताएंगे बताएंगे। दोस्तों, चार साल बहुत बड़ा समय होता है। 2018 में हमारी जर्नी शुरू हुई थी, बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हुए हम यहाँ तक गुजरे हैं। ढिल्लन सर ने बहुत ही अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और उन सारी चीजों को हम बड़े आसानी से क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ऑन पैसिव से प्यार हो चुका है, क्योंकि हम ऑन पैसिव से दिल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम ऑन पैसिव के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो हमारी एनर्जी है वो पूरी की पूरी जा चुकी है ऑन पैसिव के अंदर। अब जो कुछ भी करना है इसी कंपनी में ही करना है और इसी कंपनी से ही हम सब लोगों को अपने परिवार के और अपने और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि अब सब कुछ समर्पित हो चुका है ऑन पैसिव के लिए। क्यों? और इसीलिए हम ढिल्लन सर की मीटिंग हो गई या दिनेश कोटियान सर की मीटिंग हो गई, मेरे पास लिंक्स आती रहती हैं, मैं उसमें तुरंत जुड़ जाता हूं जब भी मीटिंग्स आती है समय से पहले। और जो भी हमारे वेबिनार्स हो गए, खास तौर से एस सर का जो वेबिनार्स हो गया, जो बताते हैं बैक ऑफिस में जो अपडेट्स आती है उसको लेकर के बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इससे पूरी तरीके से दिल से जुड़ चुके हैं और इसलिए अब कोई भी चीज ना तो हम गलत सुनते हैं और ना ही गलत प्रमोट करने देते हैं और ना ही हम गलत अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एक दो वीडियोस के मैंने जवाब भी दिए हैं, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अब हमें बातों से जवाब नहीं देना है, काम करके जवाब देना है, उनको रिजल्ट दिखा करके जवाब देना है, जिससे कि उनकी जो बोलती है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपकी शोर मचा दे, आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे।
जी हाँ, तो हमें अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो चार साल की जो जर्नी थी वो बहुत ही फर्स्ट क्लास रही, बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनको हमने पार किया। मैं यहाँ पे किस तरीके से आया, मुझे यहाँ पे क्या बताया गया था और मैंने क्या सोचा, बताया तो था लेकिन ये हमारे थॉट प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या सोच के यहाँ पे आ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्यों आए हो ये आपको अच्छे से पता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आ गए हैं वो सबके सब इंटेलिजेंट पर्सन हैं। ऐसर उनको इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं और ऐसर उनको बोलते हैं जो इस ऑन पैसिव से बाहर हैं, वो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये दुनिया के सबसे ज्यादा लकी व्यक्ति हैं क्योंकि यहां से इनकी पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे व्यक्तियों के पास, ढिलंतर ने एक चीज और बताई है कि यहां पर बहुत सारे व्यक्तियों के पास मल्टीपल आईडीज भी हैं। मल्टीपल आईडीज का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेल करोगे, एक भी आईडी आपको सेल नहीं करनी है, ना ही आपको 8000 रुपए में सेल करनी है और ना ही 5000 में सेल करनी है, ना ही 80000 में सेल करनी है, वो आपकी ही आईडी और आपके पास ही रहेगी, अदरवाइज दोनों आईडी टर्मिनेट हो जाएंगी आपकी। तो बिल्कुल भी आईडी को सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जी हाँ, जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं वो खास तौर से बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट आराम से नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली आप इसको समझ लीजिए कि अगर आपने बिल्कुल भी उल्टे सीधे थंबनेल लगा करके अगर आपने वीडियोस बनानी बंद नहीं की, या फिर आपने जो मैटर उसके अंदर है आप उसी टाइप का थंबनेल लगाओ जिससे कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज में ना रहे। तो हमेशा बस एक ही बात को, और ढिलन सर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको इम्प्रूवमेंट में आने का, आपको इम्प्रूव करने का एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर लें। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, अगर एक्शन लिया जाए